स्क्रीन प्लाजा इन्फो मोबाइल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीख लेंगे नोकिया 6.1 जो TA-1043 हम कैसे FRP तोड़ेंगे, जो कि ना UMT के मदद से। चलिए हम UMT क्यूसीफायर ओपन कर लिया। वेरी सिंपल, रीड एंड टूल्स के अंदर चला गया। नोकिया ब्रांड हम इससे चुन लेंगे। नोकिया ब्रांड हमने चुन लिया। इसका बाद हम मॉडल चुन लेंगे TA-1043। चुनने की बात देखिए, इसमें फॉर्मेट सॉरी डिवाइस मैनेजर हम ओपन कर लिया। डिवाइस मैनेजर में ओपन करने के लिए डिवाइस मैनेजर ओपन कर रहे हैं। देखिए इसमें बूट की क्या है, EDL पॉइंट क्या होता है। इसमें हम राइट साइड में दिखा दिया, देखिए यही है EDL पॉइंट। आप EDL पॉइंट की मदद से मोबाइल कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए हम क्यूलिकम का ड्राइवर ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया। इसका बाद देख लीजिए फॉर्मेट एफएस है। फॉर्मेट एफएस में आप ज़रा क्लिक कर दीजिए। इसके साथ मोबाइल रीसेट भी हो जाएगा, FRP भी निकल जाएगा। देखिए, देखते रहिए। वेरी छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो है, आप स्किप मत कीजिए, देखते रहिए। बाद में कमेंट सेक्शन में मत पूछिए क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए FRP तोड़ने के लिए पॉपअप आ गया, हमने यस कर देंगे तो साथ साथ FRP भी निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, FRP भी निकल गया। सिंपली मोबाइल कनेक्ट कर लीजिए और एक चीज़ ध्यान में रखिए, बैटरी डिस्कनेक्ट करके तब कीजिए।